ईतु जैसे लोग उनको चुभते हैं, आपको कुचल देने की तैयारी चल रही है। आपके हिंदू राष्ट्र में बहुजन समाज के महापुरुष नहीं है, उनकी विचारधारा नहीं है, तो इसका मतलब हिंदू राष्ट्र हमारा नहीं है। ये चंच चतुर और चालाक लोगों का हिंदू राष्ट्र है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में हमें और आपको गुलाम बनाना चाहते हैं और इस देश के संसाधनों पर कब्जा करके हमें फिर से वहीं ले जाना चाहते हैं। गुजरात से चलकर के आए, मैं अपने भाई का धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात यहां पर कह देना चाहता हूं, अभी प्रोफेसर रतनलाल साहब ने हिंदू धर्म को लेकर के उनकी तमाम बुराइयों और अच्छाइयों को लेकर के यहां पर बात की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को लेकर के बात की। मैं ज्यादा समय नहीं, बस 2-3 मिनट में उसी पर अपनी बात को, प्रोफेसर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कहता हूं। जब भी कोई आदमी, जब भी कोई व्यक्ति आरएसएस से संबंधित आपके यहां आए और वो कहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, जब भी वो कहे आपसे कि चलिए संघ की शाखा में और आप तो इस देश के मालिक हैं, हम आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया बनाना चाहते हैं, तो उनसे एक सवाल करना। अगर वो जाटों में आए तो उससे पूछना, मेरे जाट समाज के लोगों के बताओ आपके हिंदू राष्ट्र में चौधरी महाराज सिंह भारती और भगत सिंह कहां है, आपके हिंदू राष्ट्र में सर छोटू राम कहां है। अगर माली समाज में आए तो पूछना कि आपके हिंदू राष्ट्र में फूले कहां हैं, फूले दंपत्ति कहां हैं। अगर वो चमार समाज में, जाटव समाज में आए, महार समाज में आए, तो उनसे पूछना कि इसमें अंबेडकर और रैदास कहां हैं। अगर वो अन्य किसी समाज में आए, अगर वो माली समाज में आए, अगर वो पाल समाज में आए, तो उनसे पूछना कि इसमें पेरियार रामास्वामी नायकर कहां हैं। और अगर वो यादव समाज में आए तो यादव समाज के लोगों पूछना कि इसमें पेरियार ललित सिंह यादव कहां हैं। जब इसमें आपके हिंदू राष्ट्र में हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के 85% बहुजन समाज के महापुरुष नहीं है, उनकी विचारधारा नहीं है, तो इसका मतलब हिंदू राष्ट्र हमारा नहीं है। ये 85% बहुजन समाज का हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये चंच चतुर और चालाक लोगों का हिंदू राष्ट्र है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में हमें और आपको गुलाम बनाना चाहते हैं और इस देश के संसाधनों पर कब्जा करके हमें फिर से वहीं ले जाना चाहते हैं जहां से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन हमें यहां तक लेकर के आया। आप तमाम लोग धन्यवाद के साथी हैं, इस आंदोलन के साथी जो भी जिग्नेश से पहले जो लोग यहाँ समर्थन देने के लिए आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। भाई जिग्नेश के बाद जो लोग आएंगे उनका स्वागत है। ये लड़ाई रीतु की नहीं है, ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से, फूले के, कबीर के, नानक के, रैदास से विचार से जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के बोल रहे हैं, जिस समाज को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जूतों में बैठ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े, आज उस समाज के प्रोफेसर टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो अच्छे रीतु की तरह सुंदर दिखते हैं, बढ़िया गाड़ी में आते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो ये रीतु जैसे लोग उनको चुभते हैं, आपको कुचल देने की तैयारी चल रही है। अगर आपको 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 अपने बच्चों का भविष्य बचाए रखना है, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम विश्वविद्यालयों के दरवाजे खोले रखने हैं, तो ये रीतु के आंदोलन को समर्थन देना होगा, क्योंकि रीतु का आंदोलन अपना आंदोलन नहीं है। अगर रीतु को नौकरी चाहिए थी तो उसको पहले महीने मिल रही थी, लेकिन रीतु ने कहा कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। मैं रीतु को धन्यवाद देता हूं, तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। जिग्नेश बेवानी हमारे बीच हैं, हमारे भाई हैं, मित्र आंदोलन के साथी हैं, हम भी उनको सुनेंगे, आप तमाम लोग उनको सुनिए। पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। हमारा धन्यवाद संघर्ष करते हो गए वो इसलिए कि हमारे बीच में कोई, हमारे समाज का कोई बड़ा नेता नहीं, मजबूत नेता नहीं है जो यहां मंच पे आ सके, क्योंकि हमारी जो बहन रितु है इतने दिन से संघर्ष कर रही है, कोई भी मजबूत नेता वो पार्टियों नेता है, क्योंकि मंच पे आएंगे तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, उनकी टिकट कट जाएगी, ये पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे, ऐसा सोच के हमारे नेता बैठे हुए हैं। लेकिन हमें तो जिग्नेश मेवानी जी से बहुत उम्मीदें हैं, और मैं अपना बताता हूँ, मैं भीमचंद कल्याण समिति महारपुर से हूँ, हमारे साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ, हमारी जमीन थी उसमें भी बाबा साहब स्टेचू लगा हुआ था, लेकिन वो तोड़ दिया गया, उसमें भी हमारे कोई नेता होता तो हमारे साथ अच्छी तरह नहीं होता, ना हम जेल में बंद होते। हमारे पास मजबूत सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जो कि हमें 2 दिन के अंदर बाहर निकलने में मजबूत पड़ा था जी, हमारे बीच में थे। और ये हमारी जो बहन है ऋतु, दो पर दिखा के मैं हिम्मत देता हूँ बहन की, मैं इस बहन की हिम्मत देता हूँ
कि ये लड़की होके खड़ी है, इससे मेरे को खुद हिम्मत मिली है बहन से, मेरे को भी आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ कि बहन की हिम्मत से, ये लड़की की हिम्मत करते हम क्यों नहीं कर सकते। 108 दिन से बैठी हुई है, न काफी आदमी लोग से बाहर निकाल दिए गए, वो अपने घर में बैठे कंबल ओढ़ के लौट गए, अब सर्दी हो गई कभी ठंडा लग जाए उनको। लेकिन हमें दो बार प्रगति दिखा दी है,